यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हिन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेत पिलाऊंगा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हिन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे, और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थीं, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली, और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से संवारी हुई थीं। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसनीय की, ग्यारहवीं धूम्रकांत की, बारहवीं याकूत की, और बारहों फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान
उस में लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं।